वेलकम एमपीपी दीपक आनंद ऑन द शो। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और कैनन न्यूज से बात करने के लिए। गुनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक तो आपने बहुत पेशेंस के साथ, दिस इज द सेकंड टाइम वी बुक द मीटिंग एंड आई नो वी वर सपोज टू बी अर्लियर देन दिस, और आप पेशेंस के साथ विद स्माइल अभी भी बैठे हुए हैं, आपका धन्यवाद। और बहुत दिन के बाद हिंदी बोलने का मौका मिला है तो उसके लिए भी धन्यवाद। आई एम चेक एंड टेस्ट माई हिंदी ऑल्सो, अगर कहीं मैं स्टंबल हो जाऊं तो उसके लिए आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। नहीं सर, ठीक है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड आई अप्रिशिएट कि आप आए और हमसे आपने इस टाइम पे जो तक इतना बिजी टाइम है अबाउट कोविड एंड अबाउट सो मच ऑफ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड टाइम निकालने के लिए मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आप इट्स अ बिजी टाइम फॉर यू। सो क्विकली जंपिंग इन, मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि एमपीपी आना मुझे बताएं कि आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए हैं तो फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन है, क्या चैलेंजेस हैं फॉर अ फर्स्ट टाइम आउटसाइडर हैं आप टू द पीसी पार्टी, या पहले से आपने काफी टाइम उनके साथ काम किया है बट एज अ लीडर? जी, सो आई विल स्टार्ट। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज आप कहना चाह रहे हैं मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी जो है। मैं बॉर्न इन पटियाला हूँ, मैं उसके बाद चंडीगढ़ मोहाली में रहा हूँ, मोहाली से मेरी स्कूलिंग हुई है। आई एम अ केमिकल इंजीनियर, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है और 2000 में, ईयर 2000 में आई केम टू कैनेडा और एज एन इमिग्रेंट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरी फर्स्ट जॉब थी एज ए लैब टेक्नीशियन एंड आई थैंक दैट पर्सन हु एक्चुअली हायर्ड मी आफ्टर 13 डेज ऑफ लैंडिंग, और थैंक्स टू हिम एंड हिज गाइडेंस, उनकी उन्होंने मुझे अभी भी याद है उनका नाम पॉल कुस्मेंको था, और पॉल कुस्मेंको का जो ऋण है मैं कभी भी नहीं चुका सकता। उन्होंने मुझे सलाह दी कि गो टेक एजुकेशन, यू नो आप बाहर से आए हो, आपको यहाँ से कुछ एजुकेशन लेनी चाहिए सो दैट आपको स्लैंग्स पता लगते हैं, कल्चर पता लगता है, हम यहाँ क्या पढ़ते हैं पढ़ाते हैं करते हैं वो पता लगता है, और इट विल हेल्प यू टू इवन कम्युनिकेट विद दी अदर्स बगैर रिस्क के। क्वेश्चन था, मैंने कहा भाई मैं अब जब घर से यहाँ आता हूँ तो 80 रुपए की टिकट लेता हूँ। एंड ही लुक्ड एट मी एंड मैंने कहा भी ओके लेट मी सिंप्लीफाई इट ये कि आज के दिन जब नया नया आदमी इमिग्रेंट होता है तो इमिग्रेशन के समय वो ये नहीं सोचता है कि $2 की टिकट है, वो ये मल्टीप्लाई करता है जो बैक होम में करेंसी होती है। दैट्स हाउ प्रेशियस द मनी इज फॉर समबडी हू इज न्यू, एंड तू मुझे बता रहा है कि मैं जॉब करने की बजाय पढ़ना शुरू कर दूं। सो ही सेड ओके इफ यू विल गेट बी प्लस इन द एग्जाम I'll pay for your courses. Wow. Yeah. So, and it's only been a month, and I thank God for that. I took the courses at Sheridan College and Quality Assurance. That helped me to progress in my path to work. Or, I did get more than B+. So anyhow, so that was my first job, and I became a quality engineer to quality manager. Or in 2005, मैंने MBA Schulich School of Business से किया था। जी। उसमें मैं and again I was in the first semester. I was God was with me and I was lucky enough. And you will hear that word, you know, कि I was lucky enough because it is truth. मुझे job मिल गई थी पहले semester में ही। एट मोरगार्ड इन्वेस्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1500-1100 के करीब उस समय एम्प्लॉय होते थे, आज के दिन 1500 एम्प्लॉय हैं, इट्स अ डिसेंट साइज ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। अप टिल 2012 आई वाज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं शुलिक में MBA कर रहा था शुलिक स्कूल में, तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। कुछ एक कोर्सेज ऐसे लिए जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया। वन ऑफ द कोर्सेज वाज कॉल्ड सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, अरविंद आई केयर, अगर आप इंडिया में पता हो तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका मानना है कि जब आप अच्छे काम करते हो तो आपके साथ अच्छी चीजें होती हैं, एंड दिस इज व्हाट आई टुक इट फ्रॉम दैट कोर्स एंड आई रियली एंजॉयड दैट कोर्स। सो आई स्टार्टेड गोइंग आउट एंड हेल्पिंग द चैरिटीज। और आप यकीन माने गुनीत, होता क्या है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो नेचुरली कोई ना कोई आपको आके धन्यवाद बोलता है। Absolutely. जब आपको कोई थैंक यू बोलता है, आपको धन्यवाद बोलता है, तो आपको आपके दिल में हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा जरूर बैठा होता है जी। खुशी होती है कि मेरी कोई प्रेज कर रहा है जी।
तो जब आपकी कोई प्रेज करते तो आपका दिल करता कि मैं और प्रेज करवाऊं, और सिंपल फॉर्मूला है, आप और अच्छे काम करिए जी, when you do more good work, more thank yous come to you. So एक एडिक्शन सी हो जाती है जब आप अच्छे काम करते हो और उस रास्ते में चल पड़ते हो, आपको कोई धन्यवाद बोलता है तो आपका दिल करता है और वैसे धन्यवाद देने, उसके लिए और काम करते हो और काम करते हो, तो एक एडिक्शन विशियस साइकिल सा हो जाता है. तो उसी विशियस साइकिल में आप ये मान लें कि आई ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व एंड थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दैट पाथ. तो उसके बाद वंस आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई मेट वन ऑफ द कैंडिडेट हु इज रनिंग फॉर इलेक्शन एंड ही सेड व्हाई डोंट यू जॉइन माय टीम, एंड आई जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द राइडिंग एसोसिएशन, वर्क विद दैट पर्सन. और धीरे धीरे करते करते यू नो आई फाउंड कि जब भी मैं किसी चैरिटी में जाता था तो वो ये हमेशा कहते थे कि भाई वी वॉन्ट टू डू गुड वर्क, वी नीड टू इलेक्टेड ऑफिशियल्स, वी नीड टू रीच आउट टू द एमपीज एंड एमपीपीज, एंड आई वुड ऑलवेज आस्क व्हाई. The reason is because at a policy table, when you take those decisions affect those charities. So I felt if I want to go to a next level of giving back, if I want to do more, maybe I should be part of that team. So that's how I thought about the election. And again, I would say I was lucky and God was with me and my family more than anything was with me. And I actually built a big family along this way and they were there to help me, and thanks to each one of them, I'm an MPP. And I became candidate in 17 साल में मैं candidate बना, 18 साल में मैं MPP बना था. Beautiful. Well, thank you. The introduction is important. और मैं ये बार बार जब भी मैं अपने South Asian leaders के साथ when I talk, and the reason why I ask this question is क्योंकि एक inspirational story है जो कि immigrants यहाँ पे move होते हैं first generation जैसे आप हैं. So it's very valuable hum sab ke liye to know ki there are people who have you know taken those leap apne career mein aur aage jaane ke liye. So thank you for that. I'm gonna meko jo next question mera wo ye hai aapse ye puchna chahta hu ki aap currently parliament mein aapka jo role hai, aap standing committee mein hai public accounts ke aur aap standing committee of chair hai private bills ke. Covid chal raha hai, bahut sare matlab Ontario emergency measure लगा रखा है, public spending बढ़ी हुई है. How are you, आप कैसे चीजों को accountable रख पा रहे हैं, किन किन चीजों पे आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि government spending पे accountability हो, public money पे accountability हो? Absolutely, and again, who knows more than us as the conservative government कि जो पैसा है वो पेड़ों पे नहीं लगता है, it is our money, we have to be responsible spending it. But at the same time, you have to spend it. I mean, it's kind of saying, अगर normal case होता है, जब आपके जेब में पैसे नहीं होते, बच्चा आपसे आके मांगता है, dad मुझे iPad चाहिए, तो हम 10 बोलते हैं, भाई तुझे iPad क्यों चाहिए? अगर बच्चा उसी समय बीमार हो जाता है, और उसको बीमारी में अगर दवाई चाहिए, तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे जेब में कितना पैसा है. जी. सोचते हैं कि हमारे बच्चे की सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है. जी. So the two rules which we actually follow in any, I mean, again, agar aap dekhen, this is a big family that we have here in Ontario. Yeah. As a government ki baat karein, we have to make sure ki every dollar that we spend is spent wisely, but at the same time when the dollar spending is required, we should not think from head, we should think from heart. So dimag se aap support kar, aap is baat pe bhi aap agree karte hain ki jo federal government jo liberal party jo spend kar rahi hai money, it is on the right path, wo sahi path pe ja rahe hain government spending pe, aur CERB small business applicant loans aur jitne bhi benefits aaye hain covid mein, do you think they are on the right path? देखिए आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन छोटी सी लाइन में पूछ लिया है, बहुत सारी चीजें पूछने वाली हैं. तो नहीं, आई एम कमिंग टू इट. अगर आप थॉट प्रोसेस की बात करें तो 101% आई एब्सोल्युटली, I mean, at the same time, this is the time when we need to show the strength. हमने as a government अगर हम कहते हैं कि हम developed country है, हम prosperous country है, हमारे पास resources हैं, तो उस resources का आपने अचार डालना है अगर लोग भूखे मर रहे हैं, अगर लोग परेशान हो रहे हैं और अगर बीमारी से, तो I think it is absolutely right to use those resources to support the people who actually are the real owners. We are not the real owners. We are a management company. Government, we are not the owners of those resources. It's the people who are the owners of those resources. We are a management company. They gave us the mandate to manage those resources for them. Yeah. So we agree with this that we should
be taking care of the people, and we should be spending that money. Although, having said that, I do have some reservation. इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुला बांटें और बगैर सोच के बांटें. Yes, and there should be you should not have to feel that there will be a fraud and it's okay and we will take care of the fraud when it will come. No, we need to take care of the fraud before we put together a program in place. So I think that's. So आप कहने का मतलब ये है कि conservative party जो Ontario की है जिसमें मतलब members हैं आप you know आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का कि जो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है money पहले उनके पास पहुंचे and help them push them out of that zone. So absolutely, Guneet. What I'm trying to say is that money is limited. It is not unlimited money. Even if corona में भी कोई ऐसा नहीं है, हमारे पास पेड़ ऐसा है जो खुद गिराना शुरू हो गया है. We need to be wisely using every dollar. Yeah. And a lot of is coming from the debt. That the debt government जो ले रही है, the a lot of it, it's gonna. I think it अपना effect show करेगा आने वाले time पे. I hopefully it is not becomes doesn't become a headache. सब लोग ना बन जाए लोगों के लिए. Absolutely. You said it's all right. Yeah. Next question मुझे पूछना था कि PC party Ontario में liberals से पहले PC party ने I incumbent थी Ontario की liberals and then you took them over. आप लोग आ गए. I think 3 साल होने वाले हैं, 2 साल 3 साल होने वाले हैं. Road map कैसा रहा है अभी तक का और आगे जाने का road map क्या? अब तो from मतलब just कोविड चल रहा है, पैंडेमिक के बीच में हम, तो आपके हिसाब से वो रोड मैप कैसा चल रहा है, आगे क्या है? तो रोड मैप की बात करें, कोई भी पार्टी जब भी कोई इलेक्शन आता है उस समय मैंडेट होता है, वो हम डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि दीज आर द प्रॉमिसेस वी गोइंग टू फुलफिल. अगर उस डॉक्यूमेंट की बात करें तो वी वर एबल टू डिलीवर ऑलमोस्ट ओवर 80% ऑफ दैट डॉक्यूमेंट इन द फर्स्ट 2 years itself. तो काफी जो प्रोग्राम है इट वाज गोइंग ऑन. प्रीमियर की बात करें तो ही इज अ बिग फैन ऑफ सबवे ट्रांजिट जो है, पब्लिक सिस्टम है. अगर हमारे मिसिसागा की बात करें तो मिसिसागा में एक LRT है डिलीवर करने का प्रॉमिस किया गया था, वो की और डिलीवर हो चुका है. तो promises, promise made, promise kept वाली बात करें तो most of the promises were actually kept and made and delivered also most of it. But having said that, you know, now I actually jokingly say, you know, हर generation की एक line होती है. For an example, जो generation की line की बात करें, हमारे जो मेरे जो parents थे वो हमेशा बात करते थे either कि जी partition के time ये हुआ था. जब I'm from India, तो हर बार बात करते थे, तो वो बात करते थे पार्टीशन को लेके करते थे. उनके बेंचमार्क सेट हो गया, एक बेंचमार्क था पीछे. बेंचमार्क सेट हो जाता है उससे. उनके पेरेंट्स कभी भी बात करते थे तो मेरे दादा दादी बात करते थे, वो वर्ल्ड वार की बात करते थे, वर्ल्ड वार से पहले ये था, वर्ल्ड वार के बाद ये था. और उसी तरीके से अगर हमारी अब जनरेशन की बात करें तो हम ये कहा करेंगे जो हमारे मेरे जो ग्रैंड किड्स होंगे वो मेरे से पूछा करेंगे दादाजी पेंडेमिक से पहले कैसे था. So that particular, now हमारी जिंदगी है प्री पेंडेमिक एंड पोस्ट पेंडेमिक. तो रोड मैप की बात करें तो रोड मैप वॉज गोइंग वेरी वेल. आई मीन वी वर ऑन द वे टू डिलीवर एक्चुअली फास्टर देन व्हाट वी हैड एंटिसिपेटेड वी वर डिलीवरिंग दोस थिंग्स. बट हैविंग सेड दैट, नाउ बिकॉज वी आर हिट विद दिस न्यू एरा ऑफ पेंडेमिक, द थिंग्स गोइंग टू बी चेंज्ड. इट इज गुनीत मानी एक सिल्वर लाइनिंग है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैंडेमिक होना चाहिए था, भगवान नहीं करे पैंडेमिक दोबारा कभी हो. पैंडेमिक की वजह से एक जरूर डिफरेंस आया है, थिंग्स हैव बिकम, जो कुछ चेंजेस हैं वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी फास्ट हो गई है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हम लोग पहले किसी को कहते थे कि जाके यार ऑनलाइन कुछ बाय कर ले या ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज ले ले, तो तुम्हारे ओर देखते थे तेरा दिमाग खराब हुआ, who's going to take that hassle. और अभी हम ऑनलाइन बैठे हैं दूसरे के सामने, ऐसे लग रहा है दूसरे के सामने बैठे हैं. कोई फर्क लग रहा है आपको? It's easier to get connected. Yes, absolutely. वर्चुअल कोर्ट रूम आ गए हैं, पार्लियामेंट आ गई है. सो होता क्या था, जैसे हम कमेटी की बात करें, आपने कमेटी की बात की, मैं चेयर हूँ एक कमेटी का. उस कमेटी में लोग जब अपना वो 10 मिनट के लिए उनको टाइम दिया जाता है तो के लिए आते हैं, अपना देते हैं और उसके बाद 10 मिनट हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है.
तो वो 20 मिनट की प्रेजेंटेशन देने के लिए कई बार 8 से 10 घंटे ट्रैवल करके आते हैं। ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। 8 घंटे वो ट्रैवल करके आए, 20 मिनट की उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, फिर 8 घंटे वापस आएंगे। बिल्कुल। नाउ वो 20 मिनट की प्रेजेंटेशन देने के लिए उनको 25 या 30 मिनट कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है, ट्रैवल नहीं करना पड़ता। सो सर्टेन थिंग्स आई वुड से कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 is going to fast forward many of the things which we never thought in the past. बात करें एजुकेशन की, कोडिंग की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, डिजिटाइजेशन की बात करें, जी सब चीजें जो हैं दे आर गोइंग टू फास्ट ट्रैक, मच फास्ट फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली आर गोइंग टू हेल्प एंड दोस थिंग्स आर गोना मेक आवर लाइफ इजीियर। जी सो दैट इन माय ओपिनियन इज गोइंग टू बी फ्यूचर, अ न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट इन द वे सर्टेन थिंग्स व्हिच वी वांटेड वी नेवर कुड डू इट वी विल बी एबल टू डू इट। हम सही कह रहे हैं। एक मेरे से एक सवाल आ रहा है क्योंकि मैं न्यूज पढ़ रहा था और मेरे को एक बहुत एक जाननी है अबाउट थिंग्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड कनाडा, एंड आई वांट यू टू एक्सपैंड ऑन इट क्योंकि आप एक कंजर्वेटिव, मैंने काफी एनडीपी के, बीसी के, एनडीपी के एमएलए और लेबर मिनिस्टर हैरी बेन्स और अश्ना सिंह, मैंने काफी लोगों से बात करी है अबाउट द रिलेशन अबाउट द होल पार्ट। Conservative have a different point of view, and I want you to reflect on it. मैं चाहता हूँ कि my viewers ये भी एक viewpoint जानें कि है क्या कि India और Canada के natural allies हैं, मतलब predominantly India ने हमेशा accept किया immigrants को और same as Canada as well. हालांकि the relations have not been the right relations between the Trudeau government में and of course NDP से भी. So आप मैंने एक न्यूज पढ़ा था कि आप एमपीपी फिडेली के साथ आप इंडिया गए थे लास्ट ईयर फॉर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ओंटारियो में। सो अभी आप इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, आप मुझे बता रहे थे कि आप एक इंडिया की किसी कंपनी के साथ फोन पे थे अबाउट ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट्स टू ओंटारियो। व्हाट डू यू सी द प्ले बिटवीन, एक तो इकोनॉमिक है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ओंटारियो के पास बहुत कुछ है देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इवन कनाडा के पास भी है। तो व्हाट एक मैं चाहता हूं कि आप एक इकोनॉमिक टर्म में रिफ्लेक्ट करें, एक पॉलिटिकल टर्म में रिफ्लेक्ट करें कि आपको क्या रिलेशन दिखता है और आगे का टाइम पे कैसे आने वाला है। तो विनीत कुछ चीजें मैं इसमें ना बेसलाइन बोलता हूं उसको, वी नीड टू सेट द बेसलाइन। तो पहली चीज जो मैं कहता हूं कि जब भी कभी पावर की बात की जाए, जी पावर किसके पास है? Should be for the people. Power सिर्फ लोगों के पास है। बिल्कुल, should be, yeah. Not should be, सिर्फ उन्हीं के पास है। जी। This is the baseline. We need to, हमें as an individual, we need to understand, we need to know this. We need to keep reminding others and keep reminding ourselves also. जी। Power सिर्फ और सिर्फ it is with the people. ठीक है। ठीक है, that's the first thing. दूसरी चीज, देखिए कोई आदमी इस दुनिया में आज तक मैंने नहीं देखा जो परफेक्ट है, मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो दूसरी जो चीज जरूरी है बेस लाइन में वो होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी हैं, डजंट मैटर हू, वेदर यू आर अ फ्रेंड और यू आर एनिमी, तो आपको दो चीजें याद रखनी चाहिए, जो ठीक कोई कर रहा है तो वो ठीक है, और अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी हमेशा ठीक ही करेगा या एक आदमी बिल्कुल गलत ही करेगा। ठीक है, एज इंडिविजुअल हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारी जो छोटे छोटे सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं वो हमारी आंखों के ऊपर जिस चीज का थोड़ा नहीं भी पर्दा डालें, वी फोर्सफुली अपने आप पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वी टेल आवरसेल्फ्स, नहीं नहीं नहीं, अंदर से आवाज आ रही होती है कि नहीं यार ये गलत है जी, नहीं नहीं, या ये ठीक है, वो बंदा जो है हमारा चाहे दुश्मन है पर वो ठीक काम कर रहा है, पर अंदर से आवाज आ रही होती नहीं 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 यार ये तो बंदा गलत है और काम क्या कर रहा है इस समय। सो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एज इन द बेसलाइन, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट फिलोसफिकल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एज अ बेसलाइन इट इज द पीपल हु हैव द पावर एंड एज इंडिविजुअल वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड टू से राइट एज अ राइट एंड रॉन्ग एज अ रॉन्ग। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं पूरी कर पाते। तो आप जो रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, एनडीपी की बात कर रहे थे, या फिर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जब इंडिया गए थे तो उन्होंने उनकी जो विजिट की बात कर रहे थे,
आप भी गए हैं, आप भी डेलीगेशन लेके गए हैं? मैं भी डेलीगेशन लेके गया हूँ. वी एक्चुअली हैड अ वंडरफुल टाइम. वी एक्चुअली एंजॉयड इट बिकॉज वी ओनली फोकस ऑन बिजनेसेस. वी फोकस ऑन व्हाट हम जाने से पहले वी हैड अ ब्रीफिंग. वी सेड दिस इज द गोल ऑफ आवर विजिट, दिस इज गोइंग टू डू एंड दिस इज व्हाट वी गोइंग टू अचीव. ठीक है, तो अब वापस आके मुझे रिफ्लेक्ट करें कि जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कनाडा इंडिया रिलेशन का, क्योंकि मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ कि एक अभी एक मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन दूंगा, बट अभी आपके मैं पूछना चाहता हूँ कि कनाडा इंडिया का रिलेशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे खड़ा है, क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा इमिग्रेशन कनाडा में है, बहुत ज्यादा इंडियंस रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन बैकग्राउंड से. मैं खुद कैनेडियन हूँ तो, बट माई हेरिटेज माई बैकग्राउंड. India, China, Korea, and Philippines. These are the four key players, and we represent about give and take 15-17%. And again, that's a lot. That's a big number. और ये मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तो मेरा, इसलिए मैंने question आपसे मैं Korea के लिए नहीं पूछा या Philippines नहीं पूछा, मैं बहुत specifically पूछ रहा हूँ. Please try to answer this question. Yeah. So I would say my answer to it, we cannot live in silos. We have to live together. We need to work together, and we need to understand the language that we are, all of us are here to do community service for the people who choose us. So India or Ontario or India ke relationship ki baat karein, to we actually really enjoyed the relationship. It is very strong relationship. High Commissioner the Vikas ji. उनके विकास स्वरूप जी की मल्टीपल मीटिंग्स हुई. ही केम टू मीट प्रीमियर. आई वाज एक्चुअली लकी टू बी देयर इन दैट प्रेजेंस. आई एक्चुअली वाज वन ऑफ द पीपल हु एक्चुअली अरेंज्ड दैट मीटिंग आल्सो विद हिम. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इफ वी वांट अ प्रॉस्पेरिटी वी नीड टू वर्क टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट वी इन्वेस्टेड इनटू विद द ओंटारियो इंडिया रिलेशनशिप. We went with the businessmen from here who invested there. We brought in businesses from there physically, and we are continue to do it. At the end of the day, it is the partnership. We believe the relationship. We believe that it is extremely important for both sides. Yeah, and I think it's reflective of, because I'm trying to ask this question to a lot of people. The city of New West, BC, they had an anti-citizenship bill that was passed in India. They passed a motion against it. कुछ दिनों पहले सिएटल में है, आई नो ब्रैम्पटन में भी चल रहा है. सो ये एंड और मैं दोनों साइड के लोगों से बात कर रहा हूँ. एक साइड जो इफेक्ट जो बहुत क्लोजली इससे पैशनेट फील करता है, और जो कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, लाइक देयर लॉट ऑफ पीपल हु जो बहुत साइड के आइज में. तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक मैंने उनसे पूछा था अपने सिटी से हमारे कोवर्कर ने कि आपको लगता नहीं है कि एक सिटी का काम है कुछ और करना, और आप मोशन पास कर रहे हैं एक फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट कर रहे हैं. एंड उन्होंने कहा कि इट इज व्हाट इट इज. और मैंने उनकी जो काउंसिल की हियरिंग सुनी, तो काउंसिल की हियरिंग में एक काउंसलर ने मेंबर ने वोट किया प्रो मतलब मोशन के लिए, और उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि मैं एक जगह गया था, वहां पे टेबल पे बहुत सारे लोग खड़े थे, तो मुझे लगा ये सही कॉज है और मैंने इसलिए मैं वोट करना चाहता. तो बट दैट्स जस्ट सो नाइविटी है, दिखाती है कि आप इश्यूज के साथ खड़ा चाहते हैं. मैं इसी के साथ एक और इश्यू पर बात करूं. गुनीत, कहीं ना कहीं उसको दोस्ती कहते हैं. एक्चुअली नाइविटी नहीं कहते हैं, उसको दोस्ती कहते हैं. उनके साथ वाले काउंसलर ने कहा होगा कि ये कर दे, तो उन्होंने कर दिया होगा. उसकी दोस्ती सर दोस्ती निभानी है तो आउटसाइड पब्लिक ऑफिस निभाएं. घर पब्लिक ऑफिस इज मोर अकाउंटेबल. थोड़ा सा लिहाज रखें लोगों के. Right, people are. I will leave it there. And you, and again, when I said that line, सही को सही और गलत को गलत कहना बहुत मुश्किल है. To be very honest, it is very difficult. And I'll tell you one more thing. I just want to share one more thing. No, I'm actually speaking on the camera. तो मुझे याद है last time मैं जब election लड़ रहा था, तो उन्होंने मेरे से एक question पूछ लिया. All of a sudden, वो कहते हैं आपके बारे में एक चीज ऐसी बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो. जी, अपने बारे में. Okay. मैं मन में सोचा, मैं अगर ये बताऊं कि मैं एजुकेटेड हूं तो वो बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है. मैंने कौन सा पीएचडी कर रखी है, मैंने एमबीए फ्रॉम शुले. तो मेरे मन में एक पता नहीं कहां से एक जवाब आया, और मैंने वो जवाब दिया उनको. मैं बोला मैं बहुत अच्छा इंसान हूं. तो मेरे को बोलते हैं कि कौन कहता कि मैं बुरा इंसान हूं. जी, मैं बोला नहीं, बहुत लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं बुरा इंसान हूं, पर आप एक काम
ऑन द कैमरा हर आदमी से पूछें कि वो ये कहने को तैयार है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, क्योंकि ये लाइन बोलने के लिए आप में दम इसलिए चाहिए क्योंकि आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि कल को चार बंदे आके ये कहें तू तो कह रहा था बहुत अच्छा इंसान है, तुमने तो मेरे साथ ये किया था। अच्छाई भी सब्जेक्टिव है ना, अच्छाई भी सब्जेक्टिव है। एग्जैक्टली, सो आई थिंक यू नेल्ड इट अ वेरी गुड पॉइंट एंड आई अप्रिशिएट दैट यू वेरी फ्यू आई हैव हर्ड समथिंग टॉकिंग इन दिस ओपननेस कि भाई यू आर एट अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, you want to get re-elected, yes you want to appease your friend, yes you want to tell your friend okay dekha maine tere liye ye kiya to mere liye ye karna ji, kahin na kahin usse badi zarurat hai ki aap apne aap ko kahein ki sach sach hai aur galat galat hai aur public office isiliye banaye jate hain। ab hum aapne achhi aur aap ek bahut aap pichle kuch 10 minute se aap baat bata rahe hain ki ek insaan ka हर काम अच्छे गलत नहीं करता। मैं भी जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन इट, लिंकन है, जेफरसन है, इन सब के पर्सनल स्लेव्स भी थे और ये अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रहे थे, तो मतलब एक तरह से इतना बड़ा वो अंतर्द्वंद कह ले आप हिंदी का वर्ड है, बट इतना बड़ा वो टर्न ऑफ है मेरे लिए कि मतलब मैं क्या करूँ, मतलब मैं एक जगह मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ूँ जो उन्होंने फ्रीडम दिया दुनिया को, दुनिया का फ्रीडम कंट्री बनाया, और एक तरह वो खुद स्लेव भी रख रहे थे क्योंकि उनकी पर्सनल कैपेसिटी में वो कुड नॉट अफोर्ड having not having slaves. So, but ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करना चाहता हूँ। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेसिज्म के बारे में। रेसिज्म बहुत प्रोफाउंड इशू है आजकल, ब्लैक लाइफ मैटर्स और कनाडा में जो हमारे साथ जो हमारे इंडिजिनस हैं उनके साथ जो बर्ताव हुआ है, व्हाट इज हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ रेसिज्म ओंटेरियो में अभी, मतलब कोविड के टाइम पे हमारे बीसी में तो एक एंटी रेसिज्म एक टास्क फोर्स बनी थी जो कि चाइनीज और जिनके लोगों के साथ जो रेसिज्म बढ़ रहा था उसके खिलाफ, बट व्हाट इज आपका क्या कहना है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, टोरंटो ओंटारियो में क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं गुनीत अभी खुद मैं खुद सीख रहा हूँ इसके बारे में। I'm not truly very clear about this जी, and I'll tell you when I say that I'm not truly very clear about this is what really mean to say this is that racism की बात करें तो racism जिस जब से दुनिया बनी है तब से racism तो शुरू से ही है। okay. आप यहाँ बात करते हो कि यहाँ पे तो बहुत मोज़ेक है, different colors के लोग हैं, different languages के लोग हैं। इंडिया में तो ऐसा नहीं था, पर इंडिया में तो सब इंडियन थे तो रेसिज्म तो वहां भी थी, कास्ट को लेके रेसिज्म थी, बिहार पंजाब में आते थे उनको लेके रेसिज्म थी। तो रेसिज्म एक ऐसी चीज है शुरू से रही है। जरूरत जो है वो ये है कि रेसिज्म में हम एजुकेशन प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि रेसिज्म कौन करता है, रेसिज्म में अगर कहीं जरूरत है रेसिज्म को रोकने के लिए वो नहीं जो इफेक्टेड है या विक्टिम है, उसको रोकनी है जिसने रेसिज्म की है। एंड आई विल गिव यू रेसिज्म का अनदर एग्जांपल एंड आई विल यू लाफ एट मी। जब मैं शुलिक में था, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, तो शुलिक में हमारे ऐसे इंडियंस थे जो बॉर्न इन कैनेडा थे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अब रेसिज्म की बात करें अगर, और कुछ लोग जो इंडिया से, मैं तो यहाँ इंडिया से यहाँ पहले आके 5-6 साल जॉब की तो आई न्यू बोथ द कल्चर, आई न्यू बोथ द लैंग्वेज, एंड कुछ लोग जो सीधे इंडिया से आते थे एंड देवर ऑल एजुकेटेड, सम ऑफ देम एक्चुअली केम फ्रॉम IITs, देवर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल, सम ऑफ देम प्रॉब्ली आर मेकिंग बिलियंस नाउ। पर उन लोगों को जो सबसे ज्यादा रेसिज्म से डील करना पड़ता था ना, और वो सटल होती है रेसिज्म, ये नहीं होता कि कोई कहता है ये ले पकड़ रेसिज्म का कार्ड, नहीं नहीं वो तो बिहेवियर में आता है, वेरी सटल। आपको ग्रुप बनाना है, फॉर एन एग्जांपल यू आर हैविंग अ प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट नीड्स 5 people टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, या हु यू टेक हु यू डोंट टेक, somebody walks up to you say and you know what you are doing a project which is actually very close to my heart, I was craving to be part of this group where you can do this project, mm-hmm. and they tell you oh no we already done it, hum logo ne already decide kar liya hai, and somewhere believe it or not I saw that jo yahan ke bacche the will not take the kids who were born in India. They're both Indians, by the way. मैं भी इंडिया से आया हूँ और वो सेम परांठे खाते हैं घर में जाके। I've seen it. मैं I can relate to it. So this racism what we talking about, born in Canada and born in India is a racism.
same color, same language, same parents. I want to reflect on 2 minutes on this. एक racial slur है, एक racial slur है हमारे BC में भी ज़्यादा बोलते हैं, मतलब उसको dipper बोलते हैं, dipper. क्या बोलते हैं? Dipper. Okay, I don't know what is that. अच्छा, ये dipper जो word है, ये उनके लिए है जो students आए थे और Canada में रह गए. ये उनके लिए specifically बोला जाता है. तो slur कह लें आप कुछ भी कह लें, dipper word है. Okay, BC में ज़्यादा. हाँ, BC में ज़्यादा चलता है. मुंडा dipper है या कुड़ी dipper आएगी, ठीक है. तो आई यूज टू लॉन्ग टाइम बैक एक बैंक में काम करता था कीरी में, एंड मैं खुद इंडिया से आया, मैं ग्रेटेड हेयर एंड देयर. सो आई वाज टॉकिंग टू अ ओल्ड सीनियर, वेरी सीनियर आंटी, पंजाबी थी अपने थे, एंड आई वाज टॉकिंग टू हर और हम कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे थे. तो जो आप अभी कह रहे हैं, क्योंकि मेरी ब्रांच में काफी इंडो कैनेडियंस थे जिनको यहाँ के बॉन्ड इंडियन से, इंडियन हेरिटेज के हम जैसे थे जो इंडिया से आए हैं, तो जो सटल पुश था वो मैंने देखा. हालांकि मैंने कॉलेज में, स्कूल में कम देखा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने जर्नलिज्म पढ़ा, मेरे पास एक्सेस था सबका, एवरीबडी वॉज ओपन माइंडेड, तो आई डिडंट हैव टू सी दैट. बट हाँ, आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज आई हैव अदर फ्रेंड्स आल्सो देयर. तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आप ना कैनेडा में कुछ भी करना, बट डिपर ना बनना. तो आई एम लाइक, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा, हाँ, एंड शी इज अ सीनियर, शी इज अ सीनियर, और वो मुझे कह रही है कि बेटा डिपर नहीं बनना है, सानू जो भी करना है डिपर नहीं बनना है. Like, because I don't know where that comes from. But but it was very, very, very hard for me to understand ki, as a senior person, jo ki aap apne heritage ko proud ho ke, aap people wear their turban on their face, like samne rakhte hain. It is what it is, right? But uske baad bhi, matlab wo aisa unhone aisa bola, aur ek wo feel karti, wo generation feel karti, jo ki humse, mere se wo matlab double the age hai. तो सोचो आप उनके जो बच्चे हैं जो यहाँ पे बोर्न हैं और जो उनके जो जो सेकंड थर्ड जनरेशन है, क्या क्या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? दिस इज सपोज्ड टू बी योर इंटरव्यू, इट्स नॉट आवर चैट, सो आई वांट टू टेक इट देयर. बट एब्सोल्युटली, यू नो व्हाट आई से, एंड आई विल टेल यू, एंड आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज रनिंग फॉर इलेक्शन, सो समबडी वाज रनिंग अगेंस्ट मी वाज बोर्न इन कनाडा. जी, तो मुझे कई लोगों ने कई बार ये वाला बोला, उसकी क्वालिफिकेशन पता क्या थी? जी, is born in Canada. So I don't know. So I leave it there. It is not a chat. The interview is about not asking, and I would not quickly move on to this part, but as well. But I think ye baatein bhi important hain, kyunki we are for people jo watch karenge, they need to know what's going on. Absolutely. Aap na baat karke, you cannot get it fixed. Yes. Yes. And I tell you somewhat racism har insaan mein hoti hai. Agar main kahun main 100% pure hoon, I don't know. Honestly, I don't know. I mean, I'll give you another example. When I heard that Guneet Singh is going to call me and ask me, and I'm kind of thinking, is Guneet Singh going to ask me in Hindi? Yeah. We're talking in Hindi. We're very, you know, unbiasedly, you're speaking so well Hindi because it's nothing to do with Guneet Singh. It's just a mode of language. It's a language. So again, I think, I do believe racism exists. Okay. I do believe sometimes the racism exists with the person who's doing the racism. Yeah. Sometimes it exists in us also. Yeah, victims. Victims also. हम लोग पहले ही bias होके चलते हैं, गोरा बैठा है इसे एक खराबी करेगा. पुलिस ऑफिसर है ना, है? जब दूर से देखा गोरा पुलिस ऑफिसर है, एक खराबी करेगा, है ना? So it's not that. I think more education we put into the people, more people are educated, and it's going to go with the time. I think, you know, when some white guy probably saw a Sikh first time, to him it was something different. Oh yeah. When there are so many Sikhs around us, to him it's a normal life. Yeah. One, it is going to take time. Two, it is... education is going to be another way to dilute it, sort it out. Yeah. And academic institutions mein bhi kaafi hai. Educated people, academic institutions mein bhi kaafi, struggle se bhi zyada on their face bhi hai. I think especially in Canada. Yeah. To I think education ka to bahut high role nahi hai. Log, uneducated people kam zyada open minded hote hain. Mujhe kabhi kabhi lagta hai. Yeah. I mean, and I think I will leave it with this thought. I think we need to continue. It's an ongoing process. We need
remember, we need to remind ourselves, we need to educate us all the time. I would say at least we should be two things we should be doing. We should not be a victim of racism and not be doing a racism. I think that's the bare minimum we should. Mindfulness is really a cheese. Mindfulness. Okay, last, we're going to jump into this couple of questions. I'm not going to take up too much time. A question, maybe just aap ke party pe, I was just going to Google, to my news dekha tha. So, ek, you know, I just came across this ki Cambridge ki MPP hain, Belinda Carlisle, jinko abhi eject kar diya gaya hai caucus se aur party se, kyunki wo keh rahi thi ki party mein democracy nahi bachi hai, ya phir jo bhi unke apne allegations hain. Unke views the, yeah. Kyunki unke views the, kyunki unhone bulaya, unhone premier ko phone kiya, premier unse baat nahi kiya. I'm sure premier busy hain aur kaafi kaam hai aur, you know, it's a hierarchy run hoti hai bureaucracy mein, khaskar mein public life mein. Kya kehna chahenge aap unke baare mein? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि as we, when we started the conversation, we said that we hold a responsible position, and many times we have to stand up and say right is right, wrong is wrong. We did talk about that, and this is a great example that you said. Belinda Carlisle was a good friend of mine. तो कई बार हमारी एक होता है कि जैसे आप बिजी हो गए, आपकी हाउस ड्यूटी है और आप बिजी हो गए, एंड यू हैव टू आस्क समबडी, कैन यू प्लीज टेक केयर ऑफ माय हाउस ड्यूटी. एंड शी वाज वन ऑफ दोस पीपल हु विल नेवर से नो. सो फॉर मोस्ट ऑफ अस, नॉट मोस्ट ऑफ अस, आई मीन आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर मी, बट शी वाज ऑल देयर फॉर अदर्स. शी वाज अ वेरी गुड एमपीपी एंड शी वाज ऑलवेज अ टीम प्लेयर, शी वाज ऑलवेज देयर फॉर अदर्स. हाउएवर उनके उनके जो हस्बैंड है और वो खुद की एक विचारधारा है. देखें, अगर हम कोई भी कलर की भी बात करें, लाल रंग बोले तो लाल जो है एक गूढ़ा लाल होता है, कम लाल होता है. ऐसे ब्लू की बात करें, कोई भी चीज अगर मीठे की बात करें तो कोई ऐसा नहीं है कि मीठे, मीठा भी एक सब्जेक्टिव चीज होती है. किसी को एक चम्मच में मीठा लगता है, किसी को 10 चम्मच में जाके जब तक चम्मच खड़ा ना हो वो कहते हैं मीठा ही नहीं है. They are conservative, but their thought process is more on different higher level of certain things in certain areas. तो वो शुरू से ही एक difference रहा है. Even before election, अगर आप Google करें, you will see उनका एक, उनके husband की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा. She was very new. उनके हस्बैंड का एक व्यू रहा है और डिफरेंट रहा है पार्टी को लेकर. कई बार हम लोग, जरूरी नहीं होता कि वो फैक्ट होता है कि नहीं फैक्ट होता है, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन. मैं पर्टिकुलर इसी केस पे बात करता हूँ. ये जो उन्होंने वोट डाला था, शी वॉज एक्चुअली विद अस. वोट डालने से कोई आधा पौना घंटा पहले वो हमारे साथ ही थी. प्रोसेस होता है, कॉकस मीटिंग बोलते हैं उसको. उसमें क्या होता है, इकट्ठे होते हैं, डिस्कस करते हैं. ठीक है, ऑकस मीटिंग में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी. ओके. और उनके जाने से कोई आधा घंटा पहले हम इकट्ठे थे सारे, पर उन्होंने तब भी कोई इंडिकेट नहीं कहा था, किया था कि वो उसके अगेंस्ट डाल रहे हैं. देखिए, कहीं आप जब टीम्स प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स की बात करें, अब पॉलिटिक्स इज मोर लेस अ टीम स्पोर्ट्स. बिल्कुल, सोलो नहीं है. अगर आप की एक टीम है जिसका काम है कि गोल करना है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बॉल लेके दूसरी तरफ चलना शुरू करते हैं. Unless there is a reason behind it. So कहीं ना कहीं I would say कि she used her exercise as an independence thought process. She exercised it. कहीं ना कहीं premier also used his authority. Absolutely. Exercised his authority. Premier must have spoken to many people, but this not discussed in the caucus. So I would not say ki ji sabse opinion mangi gayi thi, sabne vote dali thi, aisa nahi hua tha. Fundamentals ki baat hui, aur fundamental base pe dekhiye, jab hum kehte hain ghar mein ek bada hai, hum usko authority dete hain. Ji, authority ka matlab yehi hota hai ki he can exercise that authority. To unhone wo exercise ki authority aur that was the result of it. So if you want to look for an answer, what is my opinion on the whole situation? I wish Belinda should have spoken to us, all of us. I wish Belinda should have spoken more openly. देखिए, मैं हमेशा एक याद आती है, कोई चीज बंदा कहता है कि उसको फांसी होने वाली थी. तो उससे पूछा, तेरी कोई इच्छा है? तो उसने वाई याद चीज मांगी. तो कहता है, इससे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी. कहता है, जब कल मरी जाना तो तबीयत खराब होने से क्या फर्क पड़ता है. Point is, if she had to go to that extreme, whether she
could be jeopardizing. हम normally क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि अगर हम यार ये कहेंगे तो हो सकता है दुखी ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, या हमारे साथ कोई गलत ना कर दे पार्टी, यही होता है ना. हाँ जी, repercussions के पीछे position है, वो position से हमें निकाल ना दे या हमें education ना दे. जी कई बार रोक यही कहते हैं ना, क्या कारण होते हैं, साइलेंस कर देते हैं आप, साइलेंस कर दिया जाता है यार. कई बार हो जाते हैं कुछ लोग, है ना. तो पर अगर आप ऐसा स्टेप ले रहे हो जिसमें एक्सट्रीम स्टेप है, यू हैव नथिंग टू लूज. सो कहीं ना कहीं आई थिंक वेयर आई वुड डिसक्रेडिट हर एक्शन इज शी शुड हैव बीन मोर वोकल, शी शुड हैव स्पोकन टू अस. क्या विद इन द पार्टी लाइन ज्यादा ज्यादा क्या होता, हम उसको मना करते या हम उसको कहते हैं तू गलत कर रही है, यही कहते हैं ना. या ये कहते, या हो सकता है हम उसको कन्विंस करवाने की कोशिश करते, उसको साइड पे ले जाते, कुछ ऐसा ही होता ना. फाइनली डिसीजन लेना था तो शी शुड हैव टेकन द डिसीजन एनीवे. सो ओवरऑल आई थिंक शी यूज्ड हर एक्सरसाइज एंड इंडिपेंडेंस, एंड प्रीमियर यूज्ड हिज अथॉरिटी एज ए लीडर ऑफ द हेड ऑफ द. पर उनके एक्शंस ने काफी क्वेश्चंस उठाए हैं और एनडीपी के लिए और सबके लिए एक मुद्दा भी है. देखिए उनको मौका मिल गया ना, उनको मौका मिल गया, उनको मौका मिल गया उठाने के लिए. That is what exactly is the gain. The second point. I'm But ये exist नहीं करता. वो जो कह रही हैं वो आप आपके हिसाब से वो सच नहीं है. आपके हिसाब से ऐसा पार्टी में ऐसा नहीं है कि जो भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, the reason why she is, अब वो तो उन्होंने undemocratic बोल दिया. चाहे थोड़ा highly एक subject बड़ी बात है बोलना. Again, I have not spoken to her after she. Okay. Again, if she would have spoken to us in the caucus meeting on this, then I would have been in a better position to answer it. But again, all. Okay. Says कि जो उसी बिल पे जब हमने वोट डाली है और उस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जो अनडेमोक्रेटिक है, that's what I would say. ठीक है, okay. Last question, MPP दीपक आनंद, 2020 हम खड़े हैं बीचों बीच में, and then you have आपके पास थोड़ा tenure बचा है, almost year and a half, 2 years का, उसके बाद you'll go again. What is the stance for the next coming up year to the following elections? Federal elections भी पता नहीं कब हो सकते हैं, but हाँ अभी के लिए let's focus on your constituency and your work. So आपके हिसाब से what do you want to say to the viewers, to your own constituency people, and आपको क्या plan है for the next coming 2 years before the elections are called off? गुनीत जब चले थे तो एक पूरा जंगल था, कोई रास्ता भी पता नहीं था. जब शुरू हुए, चलना शुरू हुए तो एक पगडंडी बन गई. पगडंडी और लोग आ गए तो वो थोड़ा रास्ता दिखना शुरू हो गया. जी. Thanks to those people who supported and gave me this support, and I call it as a gift of God. जी. जब मैं नॉमिनेशन की बात करूं तो मैं नॉमिनेशन में 12 वोट से जीता था पहले. वाओ. और जब नॉमिनेशन हुई उससे पहले मैं कोई ऐसी फैमिली से नहीं, मेरी तो कुछ 10th कजन भी यहाँ नहीं रहता था कनाडा में. आई बिल्ड हियर दोस पीपल हु एक्चुअली केम एंड सपोर्टेड इन माय नॉमिनेशन. मैं खुद अपने आप से पूछता था व्हाट इज द रीजन दे गोना कम एंड हेल्प, उनको क्या मिलने वाला है. कुछ नहीं मिलने वाला, पर कहीं ना कहीं मुझे पता है क्या मिलने वाला था. उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, उनको ये मिल रहा था कि वी आर टुगेदर, वी आर स्ट्रॉन्गर. थैंक्स टू दोज पीपल हु वर देयर, एंड आई ओ टू ईच वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ मिसिसागा मॉर्टन फॉर चूजिंग मी, फॉर इलेक्टिंग मी. सो मैसेज इज अगेन द सेम थिंग व्हिच आई सेड ऑन अ डे वन, द मैसेज इज स्टिल द सेम. I believe it is a gift of God. God has gifted me with this position so that I can help the community, I can work with the community and give back to the community. So the rule has not changed. The game is the same. If I can be of any assistance, any help at any given a point of time. And I add karta hun, jab main election mein jata tha, logon se vote mangta tha, to main hamesha ek cheez kehta tha ki jab aap mujhe aaj ke din vote de rahe ho, to main usko ye nahi kehta tha ki ji vote sirf provincial wali dena, 33 nahi chahiye, 100% vote chahiye. तो अगेन मेरा स्टैंस वही है, अगर आपको कोई भी इशू है, इररिस्पेक्टिव वो इशू फेडरल है, प्रोविंशियल है, म्युनिसिपल है, यू डोंट हैव टू थिंक 10 टाइम्स कि मैं जाऊं या ना जाऊं. इफ देयर इज अ इशू एंड इफ यू नीड हेल्प, योर ऑफिस इज ऑलवेज ओपन. आस्क यू ये तो म्युनिसिपल इशू. हाँ, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि व्हेन वी वेंट टू यू टू गेट द वोट, वी took 100% ऑफ वोट, सो वी गिव यू 100% राइट to come and ask for help, and we are here to work together to give you help. We may not be able to solve those. Agar koi federal issue hai, we'll work together. We will go to the federal representative and we will ask him. Kal ko unko zarurat padti hai, they come to us for the provincial issue, we don't say no to them. Okay. If there is a municipal issue, we're not going to say to you, oh, no, 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 it's a municipal issue, go and talk to this. No, no, no. We are together.
you come to us, we will make sure we will work together to solve the problem. If we can do it, it's a provincial issue, that's best. We don't need to go anywhere. But if it is a municipal issue, if it's a federal issue, we'll go together. So that's the second thing I want to say. Third thing I want to say, देखिए मैं पहले वाली बात बोली थी कि ये जो जॉब है ना, ये जॉब किक देती है आपको, मजा आता है इसमें। जब आपको कोई आके कहता है, मैं पहले कहता था मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मुझे कोई थैंक यू बोलता है, पहले मुझे ढूंढना पड़ता था लोगों को भी तुझे हेल्प, सच बता मुझे ढूंढना पड़ता था, अब तो बहुत सारे, अब मुझे वो ढूंढना नहीं पड़ता। पहले मुझे अपने परिवार में से समय जब निकालना पड़ता था तो मैं जॉब भी करता था और जब हेल्प करता था, I was not getting paid. Now to each one of you, I'm getting salary for this job. When I help somebody, I'm getting paid for that time. So again, all I want to say is thank you. But this cannot be achieved alone. And thanks to everyone who helped, supported me, and I won the nomination, I won the election, and it is my responsibility to give back to the community, and that's exactly what I'm doing. अगर आपको कोई भी issue है, a community issue है, then we'll take it to the community level. If a personal issue है, we'll take it to the department or the place where we can get those answers. I do not promise, I never promise that I to solve 100%, but I do promise I will be there 100% of time. So absolutely. The only things, Malton की बात करें, Malton एक ऐसी जगह है, I don't know आप कभी Malton आए? I am Metro Toronto बहुत रहा है, yeah. और देखें एक और खासियत मुझे राइडिंग जो दी है भगवान ने, वो ऊपर वाले ने वो राइडिंग दिया है कि अगर आप टोरंटो आ रहे हैं तो you have no choice, you will come to my riding because the Toronto airport is part of my, yes. So Malton एक ऐसी जगह है, it is very centrally located and it is extremely big lots है, अच्छे है lots, अच्छी location है, पर फिर भी कहीं ना कहीं resources की हमारे यहाँ कमी है। स्कूल की बात करें तो यहाँ पे दो हाई स्कूल है, हर स्कूल जो है मिसिसागा में उनमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। Malton की बात करें, दो हाई स्कूल है, दोनों में स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। Malton में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डबल है, नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट 11% होता है, हमारे 22-24% था। Malton में अगर बात करें अपनी इश्यूज की, पॉवर्टी की बात करें या फिर रिस्क की बात करें, हमारे में यहाँ पे आइसोलेटेड सी जगह थी तो वहां पे पुलिस स्टेशन नहीं था, बट थैंक गॉड द कम्युनिटी वर्क टुगेदर एंड थैंक्स टू एन बार्कले द पुलिस स्टेशन इज बैक। So these are the some of the issues that we are fighting for in Malton. So meri ichha yahi hai ki by the time another I'll tell you, jab bhi as new Canadians hum yahan land karte hain, hame service Ontario aur service Canada ki help chahiye hoti hai. Chahe jab gaadi lete hain to license sticker chahiye, apna driver license chahiye, health card chahiye, aur hamare Malton mein service Ontario nahi hai. We have the maximum number of new Canadians who come and immigrate and stay in Malton, but they have to go to Brampton, they have to go to Etobicoke, they have to go to other side of Mississauga. So there is no service Ontario in Malton. So these are the issues that we challenged with. So मैं जो कोशिश कर रहा हूँ गुनीत, यही कर रहा हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, as a politician, our job, our life is no different than performance athletes. आपके जो ओलंपिक में जो लोग जाते हैं ना, वो एक दंगल मूवी में आपने देखा एक डायलॉग बड़ा मुझे पसंद आया था, वो बोलता 500 लोग जाते हैं टीम में पर दुनिया उनको याद रखती जो 10 मेडल लेके आते हैं, बिल्कुल 490 को कोई याद नहीं रखता। सो कहीं ना कहीं एज ए पॉलिटिशियन वी आर नो डिफरेंट देन परफॉर्मेंस एथलीट्स। हमारी लाइफ भी 4, 8, 12 चार के पैकेट में आती है, पर 12 साल के बाद हमें कोई याद नहीं रख सकता, ना ही याद रखता है। याद रखते हैं कि जो हम हम्बलनेस लेके आते हैं, ये काम हमने किए, या हम पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है जिस जो हमें देख के खुशी होती है कि हमारे समय में बनी थी, वही चीज। सो दैट इज व्हाट आई वांट इज इफ आई हैव टू गो थ्रू यू, इफ आई हैव टू गॉड एंड आस्क फॉर समथिंग, आई आस्क गिव मी दैट एबिलिटी, वी कैन ब्रिंग एथलीट एथलेटिक ट्रैक टू Malton, we can bring service Ontario to Malton, so that once my jo meri pari khatam ho, jo cricket mein pari hoti hai na, jab main stump out hu, jab bhi hu ya main retire hunga, hai jo bhi meri inning khatam hone pe mere ko ye dukh na ho ki main kuch nahi karke aaya, main contribute nahi karke aaya, main un jinhone mere pe itna vishwas karke mujhe ye mandate diya tha, main unko wapas nahi kar paya. So only thing I want to pray to God is that I'm able to do that, and that is what I am intended to do next 2 years.
absolutely. Yeah, it's me. I'm so बड़ी अच्छी बात है कि आपने Molten के issues के बारे में बात करी, जो कि बहुत लोग as a leaders भूल जाते हैं कि उनके राइडिंग में क्या है, और क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा है and I'm sure they overwhelmed होते हैं. तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए कि अगर आप Molten में हैं और Molten के हैं या आस पास के भी हैं, दीपक ऑफिस इज ऑलवेज एक्सेसिबल. काफी अच्छा, आई हैड अ वेरी गुड I would say connecting point. आपके constituency office से very accessible, people answer the phone, they will connect right away. So it's very nice. So thank you हमारे साथ समय निकालने के लिए और बात करने के लिए. It was very nice कि हमने और कई चीजों पे बात की, and I hope कि हम आगे भी we can connect and we can talk on the further issues. Absolutely, Guneet. Thank you so much. I know you're far away. You're in Vancouver and I'm in Toronto. Whenever you come to Toronto. Let's meet, and whenever I come to Vancouver, I would love to meet. The only drawback of this Zoom or IT or ये जो computer based meetings का होता है, दो नुकसान पड़े हैं. एक, आपको जफ़ी नहीं डाल सकते आप, और दूसरा, आप खाना नहीं इकट्ठा खा सकते. So breaking bread is बहुत important है. साथ में खाना खाना important है. ये आप दो चीजें अगर इसकी add करवा दो, तो I think we will be able to have 100%. One day वो मैंने जो मीम देखा था कि unless I can download food on my phone, technology is not done yet. तो जब तक वो नहीं हो सकता, तो thank you, मैं recording बंद करूँ. Pleasure.